हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस में जब आप कोई पेज इंपोर्ट करते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर, तो जब भी आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये कनेक्शन इंफॉर्मेशन का ये पॉपअप आता है। ये बेसिकली पॉपअप तब आता है जब आप कोई वर्डप्रेस का पेज पोस्ट जो भी अपनी वर्डप्रेस थीम के अंदर इंपोर्ट करते हैं तभी पॉपअप आता है। तो घबराने की दिक्कत नहीं है। ये पॉपअप को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसमें आपका होस्ट नेम, रूट और पासवर्ड आपको नहीं पता है और आपको अपना प्लगइन इंस्टॉल करना है, आपको अपना पेज या कोई कंटेंट या फिर पोस्ट इंपोर्ट करनी है किसी दूसरी वर्डप्रेस थीम से, तो आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पता है होस्ट नेम, रूट और पासवर्ड तो आप डालिए, चेक कीजिए कि अगर हो जाता काम तो ठीक है, वरना आपको ये सब चीज़ें डालनी पड़ेंगी। चलिए, अगर आपको इससे नहीं करना है तो आपको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ कि आप किस तरह से ये कनेक्शन इंफॉर्मेशन का जो पॉपअप है वो डिसेबल कर सकते हैं और अपना जो जो आपकी पोस्ट है, पेज है, कमेंट है, कस्टम फील्ड, कैटेगरी, जो भी आपको इम्पोर्ट करना है वर्डप्रेस एक्सपोर्ट फाइल से, जो आपकी वर्डप्रेस एक्सपोर्ट फाइल होती है उसका भी इम्पोर्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि आपको अपना फाइलजिला ओपन करना है और अपनी थीम को आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है, आपकी रूट होती है, रूट जहाँ पे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है आपको वहाँ पे जाना है। ये देखिए, ये रूट है आपका। रूट पे जाने के बाद जो आपकी जहाँ पे आपकी वेबसाइट इंस्टॉल है, जो आपके वेबसाइट का फोल्डर है, वहाँ पे जाके आपको वीपी नाम की फाइल्स होंगी काफ़ी सारी। इनमें से आपको वीपी कॉन्फ़िग, जी हाँ, वीपी कॉन्फ़िग होगी एक। आप वीपी कॉन्फ़िग एक फाइल देखेंगे, ये फाइल वीपी कॉन्फ़िग नाम की फाइल होगी, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वीपी कॉन्फ़िग डाउनलोड करने के बाद इसी फाइल का एक बैकअप भी लेना है आपको। वर्डप्रेस में जब भी काम करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर चीज़ का बैकअप होना चाहिए। कोई भी फाइल आप एडिट करें तो मोस्टली आपको क्यों बैकअप होना चाहिए। कोई कभी कहते हैं कि किसी फाइल में कोई डॉट मिस हो गया या कोई एरर आ गया तो वो वर्डप्रेस को रन नहीं करता है वेबसाइट को। ठीक है, अब आपकी जो वीपी कॉन्फ़िग फाइल है इसको ओपन कर लीजिए। ये देखिए, ये आपकी वीपी कॉन्फ़िग फाइल जो है ओपन हो गई है। ठीक है, वीपी कॉन्फ़िग फाइल है, इसमें की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वर्डप्रेस की थीम की वो होती है, वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है। इसमें करना सबसे लास्ट में जाके, जो आपको ये सबसे लास्ट में एकदम एंड ऑफ दिस फाइल, आपको करना है कि आपको एक लाइन का कोड लिखना है यहाँ पे, डिफाइन डिफाइन करना है कुछ आपको यहाँ पे। ठीक है, डिफाइन करना है आपको, एक मिनट जी, हाँ जी, आपको डिफाइन करना है एफ एस मेथड, हर चीज कैपिटल में लिखनी है आपको, मेथड एफ एस मेथड फाइल ट्रांसफर ऑफ फाइल सिस्टम मेथड। ठीक है, एफ एस ये हाइफन मेथड कोमा डायरेक्ट, डायरेक्ट को छोटा लिखना है। ठीक है, एक बार फिर दूंगा, डिफाइन एफ एस अंडरस्कोर मेथड और कोमा देके डायरेक्ट। ठीक है, आपको सेव कर देना है वीपी कॉन्फ़िग फाइल को। ठीक है, आपको ये जो वर्ड्स हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आपको ताकि दिक्कत ना हो, कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, आपने को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद वीपी कॉन्फ़िग को उसी जगह पे अपलोड कर देना, सेम यहाँ से आपने डाउनलोड की थी फाइल रूट से, जहाँ पे आपकी वेबसाइट का जो मेन रूट है वहाँ पे आपने, जहाँ पे आपकी बाकी फाइल्स पड़ी हैं वीपी की, वहीं पे आपने इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको अपने वर्डप्रेस थीम को रिफ्रेश करना है। देखिए, रिफ्रेश करने के बाद जब करते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल ना करते हैं तो वो पॉपअप तो नहीं आता है, पर इंस्टॉलेशन फेल कुड नॉट क्रिएट डायरेक्टली। ठीक है, आपका इसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप अपनी फाइल जो ओपन करके जो आपकी डायरेक्टरी है उसको आप सारी सारी फाइल्स
वो तो परमिशन दे, या आप जो आपका वर्डप्रेस इंपोर्टर होता है वो आप मैन्युअली ही इसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे कि आपकी ये फाइलजिला है, आपको जाना है वीपी कंटेंट में, ठीक है, जहाँ पे आपके सारे प्लगइन्स होते हैं वीपी कंटेंट में। प्लगइन्स ये आपके सारे प्लगइन्स हैं, ठीक है, ये आपके प्लगइन्स हैं। देखिए वीपी कंटेंट आपकी मेन साइट, वीपी कंटेंट प्लगइन, ठीक है। इस प्लगइन के अंदर आपको करना है कि वर्डप्रेस में जाके आपको वर्डप्रेस इंपोर्टर डाउनलोड करके यहाँ अपलोड करना है। इसी वर्डप्रेस इंपोर्टर जो है उसकी जिप का लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस इंपोर्टर जो है आपको इसको अपलोड कर देना है। ये देखिए आपको प्लगइन्स में वर्डप्रेस इंपोर्टर डाउनलोड करके वर्डप्रेस की वेबसाइट से अपलोड कर देना है। देखिए सक्सेसफुली आपका प्लगइन्स में वर्डप्रेस इंपोर्टर जो है अपलोड हो गया। इसके बाद आपको आप अपने पेजेस कंटेंट जो भी है आप अपलोड करते हैं। एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए आपको मैंने दिखाया था ये फाइलजिला में प्लगइन्स के अंदर वर्डप्रेस इंपोर्टर, आप चाहे तो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और वर्डप्रेस की जो साइट है वहाँ से जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करने के बाद देखिए पहले आ रहा था इंस्टॉल आ रहा था, अब रन इम्पोर्टर, देखिए अभी रन इम्पोर्टर आ रहा है, इम्पोर्ट वर्डप्रेस जो है वो इम्पोर्ट करना। अभी अपनी फाइल को चूज कीजिए, ठीक है, ये अपलोड पेज, ये मेरा एक्सपोर्टेड पेज है जो मैंने दूसरी थीम से एक्सपोर्ट किया है यहाँ पे पेज इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये चॉइस कर ली फाइल मैंने, अब अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट। फाइल अपलोड होने के बाद देखिए पूछ रहा है कि आपके जो ऑथर्स हैं वो आप कौन से देंगे। ठीक है, जो जो ऑथर हैं वो आप अपने दे दीजिए, जो नाम लिखा है वो आप दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको कर देना सबमिट। सबमिट करने के बाद आया इंपोर्ट वर्डप्रेस, ऑल डन हैव फन, यानी कि आपका जो पेज था जो आपको जो आपने एक्सपोर्ट कर रखा था वो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंपोर्ट हो गया है। देखिए ऑल पेजेस में जाएं और डेट वाइज देखें, देखिए आपका जो पेज था वो आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये पेज मैंने अभी जो इंपोर्ट किया ये वही पेज है, ये देखिए 16 मिनट है वो अभी किया मैंने जो, ये हुआ है। ठीक है, तो आपने सीखा कि आप किस तरह से अगर आपके वर्डप्रेस में आप कोई पेज या कंटेंट कुछ भी इंपोर्ट करते हैं टूल्स में जाकर, जब आप इंपोर्ट करते हैं कुछ भी तो आपको जो वर्डप्रेस इंपोर्टर नहीं चल रहा होता है, जिससे कि आप अपनी पोस्ट को पेजेस को इंपोर्ट नहीं कर पाते अपनी वेबसाइट में, वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट में, तो आप इस तरह से ये इशू को सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका कनेक्शन का इशू आता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जो रन इंपोर्टर है वर्डप्रेस की वेबसाइट से भी आपको इजीली मिल जाएगा। आपको वर्डप्रेस इंपोर्टर लिखना है यहां पे, ये देखिए, ये देखिए ये वर्डप्रेस इंपोर्टर आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको यहाँ से नहीं करना है, ये एक्सएमएल फाइल जो आपकी एक्सपोर्ट करते हैं किसी और वर्डप्रेस से आप अपनी इंपोर्ट करते हैं, यहाँ आप वर्डप्रेस इंपोर्टर को डाउनलोड करके अपनी थीम में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी परमिशन नहीं मिल पा रही है, आपको प्लगइन्स पे जाके परमिशन नहीं मिल पा रही है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए अपना वर्डप्रेस इंपोर्टर, और अपने फाइल्स को जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी पॉपअप की कनेक्शन की आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वर्डप्रेस वाली वीडियो अच्छी लगी हो कि किस तरह से आपको जो इशू था कि किस तरह से आपकी फाइल आपकी पेज पोस्ट कंटेंट इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था, उसके इशू सॉल्व करने के लिए आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, और आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो वर्डप्रेस को लेकर कोई भी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस प्रॉब्लम की देख के समझ के उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, और मैं चैनल को सब्सक्राइब की, मेरा एक चैनल और है आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लर्न ऑनलाइन स्कूल, ठीक है, थैंक यू।